करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने हैफर्ड तरावली के एटीएम 23 अधिकारियों को गिरफ्तार किया और बड़ी कार्रवाई की है। इनको गिरफ्तार करके कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इंस्पेक्टर सचिन ने दी जानकारी। जी ये हैफेड तरावली का मामला है और एक इसमें आज हमारे को शिकायतकर्ता ने आज कंप्लेंट दी एसीबी करनाल में कि हैफेड तरावड़ी के जो जीएम हैं वो उनके हैफेड के अकाउंटेंट और एक वहाँ पे मैनेजर हैं उनके नाम मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ। वो जो कंप्लेनेंट हैं उनके जो बिल्स उन्होंने अभी हाल ही में जो पास किए हैं उनकी कमीशन के स्वरूप ब्राइब मांग रहे हैं और जो उनके बिल थे लगभग 36.5 लाख रुपए के बिल थे और उसके एवज में इन्होंने डिमांड की। प्रदीप जीएम है हैफेड तरावड़ी, इन्होंने 4,60,000 रुपए की डिमांड की और जिसमें शेयर इन्होंने रखा 1,10,000 रुपए का अजय जो अकाउंटेंट है और 1.5 लाख रुपए का जो धर्मवीर हैं जो मैनेजर हैं हैफेड तरावड़ी में और जीएम हैफेड जो हैं वो प्रदीप हैं। तो शिकायतकर्ता ने जब आज एसीबी करनाल में शिकायत दी तो टीम गठित की गई और टीम गठित करने के बाद ये रेड कंडक्ट की गई और जब जीएम हैफेड ने ये पैसे एक्सेप्ट किए और उनको वहाँ से जीएम हैफेड जो हैफेड के अंदर ही उनका रेजिडेंस बना हुआ है वहाँ से उनके पास से इनको जीएम हैफेड को जो प्रदीप है और उनके साथ अजय अकाउंटेंट को मौका से रंगे हाथों 4,60,000 के साथ गिरफ्तार किया गया और धर्मवीर जो मैनेजर हैं उनको उसके बाद गिरफ्तार किया गया है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि 4,60,000 रुपए के अलावा जीएम हैफेड जो हैं प्रदीप उनकी गाड़ी से 5,46,000 रुपए की अमाउंट मिली है जो रिकवर कर ली गई है और जो धर्मवीर हैं उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उनकी गाड़ी से 2,46,000 रुपए जो रिकवर किए गए तो कुल राशि हो गई 4,60,000 रुपए रेड हैंडेड और 7,92,000 रुपए जो इनसे रिकवरी हुई है। ये जो रिकवरी हुई है टोटल 12,52,000 रुपए की इनसे रिकवरी हो गई है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। कल पेश करें जो पैसे रिकवर और हुए हैं सर वो भी रिश्वत के हैं? देखिए वो अभी रिकवर ज़रूर हुए हैं, अभी वो पूछताछ में है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो ब्राइब ली हुई है।